विनेश फोगाट हुई ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई। बांग्लादेश हिंसा पर फूटा कंगना का गुस्सा। हेमा मालिनी हो गई ट्रोल। ऐश्वर्या से डरते हैं अभिषेक। डालिए इस हफ्ते की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल खबरों पर एक नज़र। ओलंपिक से भारत के लिए आई बुरी खबर। ओलंपिक से विनेश फोगाट को कर दिया गया डिस्क्वालीफाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से लिया गया इतना बड़ा फैसला। बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया इस पर दुख। बांग्लादेश हिंसा पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा। इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर रखी अपनी बात। उन्होंने स्टोरी शेयर कर लिखा, भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक रिपब्लिक की मूल मातृभूमि है। हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का स्वागत, सम्मान और सुरक्षा करने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जो भारतीय होके भी हमेशा पूछते हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों? इसलिए सबसे अधिक प्रसन्नता की बात ये है कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं। जय श्री राम। हेमा मालिनी हो गई ट्रोल। दरअसल विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर हेमा ने कहा, ये बहुत हैरान कर देने वाली और अजीब बात है कि किसी को आप इसलिए अयोग्य घोषित कर रहे हो क्योंकि उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। वजन को नियंत्रित रखना कितना जरूरी है वो अब समझ आया। ये हम सभी के लिए एक सबक है। हम सबको, सेलेब्स को, महिलाओं को इसे सीख लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द अपना 100 ग्राम वजन कम कर ले। हालांकि अब दोबारा उन्हें फाइनल्स खेलने का मौका नहीं मिलेगा। बस उनके इतना कहने की देरी थी कि लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इस पूरे मामले में वो विनेश को गलत कह रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के गम में विनेश फोगाट ने लिया कुश्ती से संन्यास। संन्यास लेते हुए उन्होंने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। अब इस पर बॉलीवुड के सेलेब्स विनेश के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। श्वेता बच्चन का पुराना वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वो ऐश्वर्या के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वायरल वीडियो में वो कॉफी विद करण पर हैं और करण से कहती नजर आ रही हैं कि ऐश्वर्या से बेहतर एक्टर अभिषेक हैं। वहीं जब करण सवाल करते हैं कि अभिषेक किससे ज्यादा डरते हैं, माँ या उनसे, इस पर श्वेता कहती है पत्नी से। श्रद्धा कपूर का हुआ ब्रेकअप। दरअसल खबरें आ रही थी कि श्रद्धा कपूर राहुल मोदी के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कभी खुलकर बात नहीं की। अब उनके अलग होने की खबर आ रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राहुल को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर 2 से अपना पल्ला झाड़ लिया आयुष्मान खुराना ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि फिल्म में सनी देओल के होते उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, इस पर वो अनश्योर थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मनु भाकर से मिले जॉन इब्राहिम। उनका मेडल लिया अपने हाथ में, बस फिर क्या था। लोगों ने उन्हें कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उन्हें मनु का मेडल अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तुषार कपूर ने दिया चौंकाने वाला बयान। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उन्हें सफल नहीं देखना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहते हैं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एक ऐसा वर्ग है जो मुझे सफल होता नहीं देखना चाहता। ये दुखद है और सच है, लेकिन मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ। शुक्र है कि दर्शक मेरे काम के आधार पर मुझे जज नहीं करते। आजकल ज्यादा काम न मिलने पर कुमार सानू ने जाहिर की नाराजगी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मेरे मन में ये सवाल आता है, जब भी मैं लोगों के सामने होता हूँ हर कोई मुझे बहुत प्यार देता है, पर क्यों ये लोग मुझे गाने का मौका नहीं देते हैं? पता नहीं लोगों का ये प्यार असली भी है या नहीं, पर जो भी है इतना जरूर है कि सभी मुझे बहुत सम्मान देते हैं।